एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे डिपिंग लैग मूव। अब डिपिंग, ये जो स्टेप्स होता है ये कैसे होता है, ये वैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है और सिखाया भी है। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम एक ही जगह खड़े होके आराम से कर सकते हैं, पर करना क्या होता है कि हाथों के जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े से हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो इस तरीके से वही स्टेप लेके हम उसमें और स्टेप्स ऐड करके डांस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो डिपिंग में क्या होता है, हम ऐसे करते रहते हैं, ये देखिए ये होता है इस तरीके से, ठीक है, ये स्टेप होता है, ठीक है। हाथों के स्टेप्स कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ और नए इसमें स्टेप्स कैसे ऐड कर सकते हैं, करना कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि ये मेरा राइट लेग है और ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने पैरों को ऐसे रखा। अब डिपिंग में क्या होता है, ऐसे ऐसे ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग। इसमें होता है कि जब मैं अपना राइट वाला लेग उठाऊंगी इस तरीके से, ये देखिए, फिर लेफ्ट वाला ऊपर होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला तो राइट वाला ऐसे ऊपर होगा, ये देखिए। और हम ऐसे ठुमका भी लगाएंगे साथ साथ, कैसे, ये देखिए, चाहे तो आप पैर पूरा उठा सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप 1। इस लेग मूव के साथ आप हाथों के स्टेप्स कैसे करेंगे तो हम सीखेंगे ये स्टेप नंबर 1 में। तो देखिए, पैर हमारे वही जैसे मैंने आपको बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाथों के स्टेप इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 पैरों के स्टेप के साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सके तो मुझे देख के मेरे साथ साथ आप भी कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ध्यान रखिएगा, जब भी हम डांस करते हैं तो अब मैंने ये किया एक ही जगह खड़े हुए, ठीक है, कोई बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके फेस पे हमेशा स्माइल्स नहीं कर पा रहा है और आप डांस कर रहे हो तो डांस में ना वो मजा नहीं आएगा जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मजा आना चाहिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो हमेशा स्माइल होनी चाहिए, थोड़ा हल्का सा ठुमका बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इस तरीके से, ज्यादा नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे तो कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। तो इस तरीके से, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ठुमका जरूरी है और आपके फेस के एक्सप्रेशन भी डांस के सभी स्टेप्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2, इसमें क्या करना है, इसमें मैंने आपको बताया था डिपिंग ऐसे चलती रहेगी, ये चलता रहेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान और रखिएगा कि जब आप सामने देके डांस कर रहे हो तो फेस को थोड़ा सामने ऐसे लाके एक्सप्रेशन देना है, साइड में कर रहे हो तो साइड में ऐसे लाके एक्सप्रेशन देना है, बट फेस के एक्सप्रेशन जरूर देना, ठीक है। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, हाथों को आपने देखा होगा मेहंदी लगती है, मेहंदी वाला स्टेप होता है, मेहंदी वाले बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, ऐसे हाथ को ऐसे टच नहीं करना है, ऊपर से ले जाना है स्टेप, देखिए राइट हैंड पे उल्टे हाथ को ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, डिपिंग के साथ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखिए, हाथों को ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डिपिंग के साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर है,
ये मैंने आपको नया सॉन्ग नहीं है, मेहंदी का कोई पार्ट नहीं है, तो इसी स्टेप को आप किस तरीके से कर सकते हो। अभी हमने ऐसे ऐसे किया, इसी को हम साइड में करेंगे डिपिंग के साथ। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ये भी आप हाथ का मूवमेंट कर सकते हो, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, वो मैं हाथों का स्टेप कैसे करें, तो इसीलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा और स्टेप बता रही हूँ। अगर आप किसी वेडिंग में डांस करते हो और मेहंदी का गाना नहीं चल रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले अभी मैंने आपको बताया कैसे, कौन से वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा इसी में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना ब्यूटीफुल है ना ये स्टेप, तो इसको आप कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंधे पे अपने एक हाथ को इस तरीके से ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। और इसी में एक चीज और कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या करना है, डिपिंग के साथ हाथों को इस तरीके से ले जाना है नीचे से, ये देख ध्यान से देखिए, नीचे से ऐसे ले जाना है और ऐसे रखना है। ये जो राइट वाला हैंड है वो मेरा वेस्ट पे है और जो लेफ्ट वाला हैंड है वो मेरे शोल्डर पे, ठीक है। पहले 1 2 फिर मतलब कि पहले मैं राइट हैंड साइड के इस तरफ आई, फिर वहीं से मैंने लिया दोबारा से नीचे से ऊपर और इस तरीके से किया। दोबारा देखते हैं काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा से समझिए, हाथों को नीचे से ऐसे ले जाना है, वेस्ट पे एक हाथ शोल्डर, फिर नीचे से वही की वही ले जाना है, एक हाथ शोल्डर पे एक हाथ, ठीक है। क्लियर है आप सबको? और फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं तो अपना फेस भी, ये देखिए मैं किस तरीके से फेस का एक्सप्रेशन दे रही हूँ, फेस को भी उसी तरफ से कैसे घुमा रही हूँ अपने चेहरे को, वो भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तभी आपका डांस बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होगा और ग्रेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको स्टेप बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको और ज्यादा अच्छा लगने के लिए मैं इसको करके दिखा रही हूँ म्यूजिक के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्लियरली आ जाएगा। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि मिरर में देख के प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज और, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने कुछ अलग से स्टेप्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भी मैंने स्टेप आपको अभी आज इस वीडियो में बताए हैं, बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है। तो
अगर वो लोग भी ये वीडियो देखते हैं तो उनका और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जिनको नहीं आते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही है, क्योंकि जो नॉन डांसर होते हैं ना उनके हमेशा दिमाग में एक बात आती है, वो क्या कि अगर वो पैरों के स्टेप थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं तो वो भूल जाते हैं उस टाइम कि हम ये कर रहे हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम हाथों के स्टेप कैसे करें, ऐसे हाथ चलाएं वैसे हाथ चलाएं, कुछ समझ नहीं आता है, ब्लैंक हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमें डांस करना है, हमें डांस सीखना है, हमें डांस की प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये चीज देख लोगे, कर लोगे ना, दिमाग में बिठा लोगे, क्योंकि कोई भी दिल से किया हुआ काम अगर हम करते हैं ना, वो हमेशा ही वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इतना आप भी जानते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि यहाँ से डांस करोगे ना तो डांस हमेशा अच्छा होगा, जैसे मैं करती हूँ। जरूरी नहीं है हर कोई डांस सीखकर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बस जरूरत होती है लगन की और प्रैक्टिस की, और जो आप करते ही हो मुझे पता है आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने फेस के एक्सप्रेशन बहुत सुंदर रखने हैं, स्माइल रखनी है फेस पे, और बस करनी है तो प्रैक्टिस। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।